अरे कौन हो, ये पीछे से आवाज क्यों दे रही हो? जरा सामने आके बात कीजिए। सामने आगे ले, दिखता नहीं कौन हूँ? आदेश, लड़की हूँ। अरे कन्या, यहाँ क्या लेने के लिए आई हो बाबा जी के पास में? क्या लेने के लिए आई हूँ? हाँ जी, ये बताइए धूना कितना लगा रखो तने? देखिए धूना मैंने महल के सामने लगा रखा, मेरी मर्जी में कहीं भी धूना लगाऊं। धूना महल के सामने लगा करे? बिल्कुल गलत बात, धूना जंगल में लगा करे, बियाबान जंगल में किसी पेड़ के नीचे। तने महल के सामने धूना लगा लिया, तने अकल नहीं है? देखिए मेरे को सारा काम करने आते हैं, लेकिन महल के सामने धूना लगाया, मैंने सोच समझ के लगाया। सोच समझ के? हाँ। के सोचा? मेरे को आपकी महारानी से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, महारानी से मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे धूना लगा रखा है। मेरे से मिल लिया बस, अब चला जा। तेर से मिल के क्या करूँगा बावली, मेरे को महारानी से मिलना है। अच्छा, उससे हाँ। पहले जावे नहीं? आपका क्या नाम है? उगाड़ी कहीं अंडे है, ये क्या चक्कर? आप नाम क्या ये तो बताओ। नाम नहीं पता। अरे कहाँ से आई हो, कौन से डिपो में रहती हो ये तो बताओ। अरे मैं चंद्रकिरण की दासी हूँ। दासी? कितने दिन से? कितने दिन से? बासी। आप बोल कह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं दासी हूँ चंद्रकिरण की, नौकरानी। ओ ये कहो ना कि मैं असिस्टेंट हूँ। बहुत बहुत असिस्टेंट जो भी हो आप, लेकिन मेरे धोना ये बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हटेगा। आप कहना क्या चाहती हो बताओ। सुनो मेरी बात। कहिए। देखे और बाबा। कहिए दासी जी। मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान उसके से? बाद अपने धोने लेकर चला जाइए, आंसर दिखना। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चला जाइए। अरे कहीं पे सर्दी कहीं पे गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। अच्छा। प्यास सुनको भी लगती है जो दरिया के किनारे। क्या बात है बाबा? आप कहना क्या चाहती है बाबा? सुनो मेरी बात। बोलिए। हे रे धुणे ने हटा ले ओ बाबा, यो ऑर्डर डाले बाबा ऑर्डर राजकुमारी का। ऑर्डर दिया है? मेरी बात भी सुन ले। सुनाओ। ये रब पड़िया रहन दे वो केले रहा मैं, और मारा इसकी बीमारी का। अच्छा बाबा बिल्कुल सुनो मेरी बात। कहिए। हे रे ढूंढे ने हटा ले ओ बाबा, ढूंढे महल के सामने धोना ला लिया। तने अकल नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। अरे संत महात्माओं में कैसी अकल, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। अच्छा आप कहना क्या चाहती हो? सुनो मेरी बात। कहते हिरे महल के सामने, महल के सामने धोना ला लिया, भूत तने के अकल नहीं। अरे यो धोना, हिरे यो धोना, और यो धोना जब तक ना उठे देखू उसकी शक्ल नहीं। यो धूना जब तक ना उठे वो देखू उसकी शक्ल नहीं। तू ही मुफ्त में हमारे
चावे मेरा सरदारी का यार पाछे बेसक पाछे बेसक पाछे बेसक मार दिए हर पर्दा खोले रिश्तेदार हैं कारियां बटियावान देना की नीत कोनी आने का बिल्कुल ये बेशर्मो जमानो आगो देख आज तने कोनी को मैं बहुत ही बढ़िया आदमी है हमारे रिश्तेदार ही अच्छा अन्ना न्यू भूत ले दूसरा इनके लुगाएं रुपया देता क्या एक दिन भरने बहुत मान सम्मान करते हैं हर जागरण में जाते हैं बहुत मान सम्मान करते हैं वो दिल्ली को होता डिफा के अच्छा हाँ मुंह में आंगली देख देख मेरी बात सुन ले अरे बूढ़ों की जवानी के भी कुछ सिलसिले होते हैं अच्छा अरे बावड़ी आम तो वही मीठे होते हैं जो पिलपिले होते हैं तने बूढ़ा के बारे में बिल्कुल ही कोनी बेरा मैं बताऊँ मेरी बात सुन ले ये रबण के भौरा रबण के भौरा बण के भौरा सुसू ये तेरी के सरकारी Yeah.
पचास रुपए से हमारे रिश्तेदार जी 50 रुपए को मान सम्मान करें, तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और कहिए कहिए बांदी क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात। हाँ कहिए। तू पहला आशिक, पहला आशिक साधु है ना तो साधु हरि गुण गाया करे। क्योंकि संत महात्माओं का गुण हरि गुण गाना ही होता है। हरि गुण नहीं तो तू साधु ना, तू स्वादु है, स्वादु। अच्छा मैं स्वादु हूँ। हाँ क्या बात है। मर्यादा में रहते हुए ये 30 रुपए से अमलेश एमपी साहब 30 रुपए का मान। और पापा हाँ कहिए। जिन चक्रा में तू पढ़ रहा है इन चक्रा में कुछ ना धरा, चला जा अपने धोने ने लेके घर। अरे भगवान के प्रति प्यार है मेरा। अच्छा जी हाँ कहिए क्या कहना चाहती हो बताइए। तू पहला आशिक साधु है ना साधु हरे गुण गाया करे। और वो है उस गण वो है उसका, वो है उसका राम है बंदी जो दिल में बस जाया करे। गौतम भाटी कायल से गुरु प्रेम तेरी ले